वेलकम टू द निकीज किचन। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दाल पालक। दाल पालक तो आपने नाम सुना ही होगा एंड खाया भी होगा, बट सब लोगों की अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, सब लोगों के अपने अपने वेज होते हैं बनाने के। बट आज मैं जिस तरीके से आपके सामने दाल पालक बनाऊंगी, ये आपने शायद ही पहले खाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ये सब मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 लाल खड़ी मिर्च ली है, मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली है, यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन लिया है, बारीक काट लिया है, एक मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह काट लिया है, एंड एक मैंने टमाटर लिया है। ये सब की हेल्प से हम आज दाल पालक बनाएंगे। मैंने यहाँ एक बंच पालक ली है। एक पूरा जो बंच होता है 20 रुपीज़ का यहाँ पर मिलता है। आई डोंट नो कि आपके यहाँ पर कितने का मिलता होगा। मैंने इसको अच्छी तरीके से तोड़ लिया था एंड काट लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लूँगी ताकि इसकी जो भी इसमें डर्ट है वो पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि पालक में कुछ कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो ये भी निकल जाए। सो मैं इसको अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। चलिए अब हम तड़का तैयार करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ। मैंने यहाँ 3 स्पून रिफाइंड ऑयल लिया था। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा जो हमारा है अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद ही हम अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सो देखिए अब मैं यहाँ कटा हुआ लहसुन ऐड करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप पहले लहसुन भी डाल सकते हैं या तो फिर आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये लाइट ब्राउन होने तक हम इसको इसी टाइप से छोड़ देंगे। ध्यान रखिए कि आपको जो लहसुन है उसको जलाना नहीं है। मैं थोड़ा स्टर कर देती हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद मैंने जो हरी मिर्च काट के रखी थी मैंने यहाँ वो डाल दी है। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी एंड तड़के को प्रिपेयर कर लूँगी। हम इसको लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह पका लेंगे। सो देखिए कितना अच्छा कलर जो है वो आ रहा है। ध्यान रखिए कि आपको इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, अदरवाइज जो आपका तड़का है वो जल जाएगा। मैं यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। एंड 1.5 चम्मच मैं यहाँ धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो मिर्च कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप मिर्च एंड नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दे रही हूँ। हम 2 से 3 मिनट तक के लिए जो हमारे पाउडर्ड मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। ध्यान रखिए कि ये जले ना। सो देखिए ये अच्छी तरीके से पक रहे हैं। अच्छी तरीके से पकने के बाद अब हम इसमें जो हमने पालक धो कर रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे करके इस टाइप से आप पालक ऐड कर लेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लूँगी एंड मैं इसको अभी इसमें दाल ऐड नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले इसको सॉफ्ट होने तक जो हमारी पालक है वो प्रॉपर तरीके से मुरझा जाए, एंड आपको तो पता ही है कि पालक पानी छोड़ती है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, जब तक मैं इसको खुले प्रेशर कुकर में ही इसी टाइप से इसको पका लूँगी। एंड जो हमारा इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो भी हम इसका जो है सुखा देंगे।
हाई फ्लेम पर रख दें ताकि जो आपकी पालक है उसका जितना भी पानी है वो पूरी तरीके से निकल जाए एंड आपकी जो पालक है वो ड्राई हो जाए। मैं इसको कुछ टाइम के लिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। अब देखिए जो हमारा पानी है वो प्रॉपर तरीके से सूख गया है, बिल्कुल पानी नहीं है। जो पालक है वो अच्छी तरीके से भुन चुकी है हमारी एंड प्रॉपर तरीके से मसाले में भी मिक्स हो चुकी है। मैं यहाँ पर तुअर दाल का यूज करूंगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप तुअर दाल ली है जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी चिपक सी गई है, मैं इसको अपने हैंड्स की हेल्प से निकाल देती हूँ। सो देखिए मैंने ये अच्छी तरीके से निकाल ली है। इस टाइप से अच्छी तरह में जो तुअर दाल को मैंने धोकर डाल दिया है एंड मैं अब इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आप तकरीबन 3 से 4 इंच ऊपर तक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लगभग जिस कंटेनर में मैंने दाल आपको बताई है उस कंटेनर के हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 कंटेनर भर के पानी डाला है। अब मैं यहाँ पर टमाटर ऐड करूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एंड दाल का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। इसके वजह से मैंने यहाँ पर 1 कटा हुआ टमाटर ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसी टाइप से इसको पकने देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। आप भी पानी जो है वो देखकर ही डालें क्योंकि क्या होता है कि जब हम दाल बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अब मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी दाल में। अब मैं प्रेशर कुकर को कम से कम 4-5 विसल आने तक के लिए छोड़ दूंगी, 15 मिनट के लिए। या आप विसल नहीं आने दे रहे हैं तो 15 मिनट तक के उसको लो फ्लेम पर छोड़ दें। सो देखिए जो मेरी दाल बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है ये। सो देखिए बहुत ही अच्छी हम लोगों की जो दाल है वो बनी है एंड आप इसको रोटी के साथ या राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। शुक्रिया।